सबसे पहले आप ही से सवाल है, आम आदमी पार्टी से, बाकी चीजें तो बाद में। सबसे पहले तो मुझे जरा ये बता दीजिए कि जिन लोगों के खिलाफ आप लोग बोलते थे, कांग्रेस वालों को पानी पी पी कर कोसते थे आप, ठीक है, उनके लोगों को जेल भेजने की बात कहा करते थे अरविंद केजरीवाल जी, आज उनके लिए आप लोग प्रचार कर रहे हैं कि उनको जिता दें, कैसे ये मुमकिन हो पाता है? देखिए, आज देश के सामने एक सवाल है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये हम नहीं कह रहे, ये खुद बीजेपी के कार्यकलाप जो इन्होंने पिछले कुछ समय में किए, ये खुद चंडीगढ़ का चुनाव चीख चीख कर कर कह रहा है कि बीजेपी लोकतंत्र की सरेआम हत्या करना चाहती है। इनके जो चुनाव में जो सांसद और सांसद प्रत्याशी हैं वो स्वयं ये कह रहे हैं कि हमें 400 पार सीटें दे दीजिए, हम संविधान को बदलेंगे। आज लड़ाई किसी विपक्ष या पक्ष की नहीं है, देश की जनता की संविधान को लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और जो भी व्यक्ति इस लोक भ्रष्टाचार अब आपके लिए मुद्दा नहीं रहा ना, ये कहते हैं आप, देश सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दिन, देश इंडिया। आम आदमी पार्टी का तो गठन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से हुआ था, आप लोग तो पहले पार्टी नहीं थे, यही आंदोलन किया करते थे, यहाँ भी आप लोग पहुँचते थे, तब भी हम लोग कवरेज के लिए आते थे। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और आज सारे भ्रष्टाचारी पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण सारे बीजेपी में हैं, इनको खत्म कर देंगे, सारे भ्रष्टाचारी स्वयं अपने आप खत्म हो। ये लीजिए लॉजिक, आप समझ गए कि आपको खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचारी भी खत्म हो जाएंगे। भाई मुंगेरी लाल के हसीन सपने आम अराजक पार्टी देखे, उसमें किसने मना किया है? और देखिए, चुनाव एक रियलिटी है और ये सब बनावटी और दिखावटी है। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 700 सीट पर और 370 पूरे देश में और 400 एनडीए पार, ये रियलिटी है। क्या है अरविंद केजरीवाल भाई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली हुई पार्टी आज कांग्रेस के गोदी में बैठ के झुंझुना बजा रही है, कांग्रेस पार्टी का हाजिर हाल है। कोई कहीं भाग रहा है, कोई रन छोड़ के भाग जा रहा है, कोई अमेठी से रायबरेली भाग रहा है, वहाँ से वायनाड भाग जा रहा है, क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है इन लोग का। चुनाव इनके लिए ख़त्म हो चुका है और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज वो दोनों साथ साथ मौसेरे भाई बैठे हुए हैं ना, 4 तारीख को शाम में यहीं पर डिबेट करवाइएगा, एक दूसरे को कोसेंगे, गाली देंगे। ऐसा है क्या, 4 तारीख को अलग हो जाए? अरे आ गए अजय उपाध्याय जी, आ गए, कहाँ फंस गए थे सर आप? अजय भाई को सुन रहा था, अजय भाई बड़े ख्वाबी पुलाव बना रहे हैं, मोहब्बत वालों के से मत लो पंगा, 4 तारीख को जनता करने वाली है भाजपा को नंगा, पूरा देश देख रहा है। तो ये जो कहानी आप बना रहे हैं, कहानी मत बनाइए, देश में आज जिस तरह की महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं ना, वो 4 तारीख को उसी का जवाब देने वाले हैं। ये कथा कहानी बंद कीजिए। अच्छा, ये जहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, मैं दर्शकों को ये बता दूं, यही देश की संसद है जो आप देख रहे हैं ना इधर मेरी बाईं तरफ, यहीं पर कौन इस बार आने वाला है, इसी की पूरी लड़ाई है। कितनी सीटों के साथ यहाँ आइएगा? यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार 4 तारीख को बनने, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? मोदी जी की विदाई होने जा रही है। हम एक व्यक्ति और एक पार्टी की बात नहीं, एक गठबंधन की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं मेरे अलावा कोई नहीं इस देश में, लेकिन ये सच है कि इस देश में लोकतंत्र सबसे बड़ा है और संविधान सबसे बड़ा है। आपने बड़ा दिल तो दिखाया है, खैर आपने अजय जी बड़ा दिल तो दिखाया है, आम आदमी पार्टी वालों को भी जिस तरीके से आपने स्वीकार कर लिया, जो लोग ना जाने क्या क्या आरोप आप लोगों पर लगाते थे, आपकी सीनियर लीडर पर लगाते थे भ्रष्टाचार के मामलों में, हाँ यहाँ से रुखसती जो आप लोगों की हुई उसमें बड़ी भूमिका निभाई जिन्होंने। अखिलेश भाई, ये पलटू चाचा को जब अपना सकते हैं, पूरा देश में देख रहा है कि ऐसे पलटने का उनको रिकॉर्ड है। हम तो कम से कम वैचारिक आधार पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों के साथ एक सहमति बनाया है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया कि 2024 वाले 2024-14 वाले 2024 में नहीं आएंगे और वो जो है झुनझुना बजा रहे हैं, घूम रहे हैं, इन्हीं के हैं नेता नीतीश कुमार जी, देख रहे हैं ना। और मतलब कोई भी किसी भी तरफ जा रहा है, क्या दिक्कत है? अखिलेश जी, मेरा आपसे एक थोड़ा सा करेक्शन करिए, आपने कहा कि 4 तारीख के बाद या अभी इसके बाद या पहले कभी करते थे, ये तो आज भी कर रहे हैं पंजाब में, आप देखिए ना, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, दूसरे एक दूसरे को पंजाब में अलग है, ये बात तो है, मैं आ रहा हूँ वहाँ। अरे इसी समय कह रहे हैं, वहाँ लोकतंत्र खतरे में नहीं, वहाँ संविधान खतरे में नहीं, वहाँ एक नहीं होंगे। यहाँ तो ये है, सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सोनिया गांधी तक का नाम लेती थी कि मैं इंटरोगेशन दो घंटे दे दो मुझे, इंटरोगेशन करके जेल में डाल दूंगा, उसके साथ कांग्रेस 3 सीटों के लिए, सिर्फ 3 सीटें मिली ना दिल्ली में, और वो भी हारने वाले हैं, तो मिला क्या? 0। उस 0 की वजह से ये उसने, जिसने शीला दीक्षित जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जितने नेता हैं, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदंबरम, जिसके नाम ले लेकर के लंबी चौड़ी लिस्ट थी, उन सब का नाम लेकर के कि ये देखो लंबी लिस्ट डाल रहा हूँ जी मैं, कपिल सिब्बल, ये वो, उन सब के लिस्ट, उसमें शायद अभिषेक मनु सिंह भी रहे होंगे उस समय, तो मुझे लगता जो बेल दिला के लाए, तो उन सब की लिस्ट, ये तो आप ये देखिए कि लोकतंत्र खतरे में कौन डाल रहा है।
कौन स्वार्थी है, कौन सत्ता के पीछे इस हद तक पागल हुआ। जवाब लेता हूं मैं, पब्लिक के बीच भी आऊंगा, आप लोग सोच लीजिए क्या सवाल पूछना है। हाथ उठाकर रखिएगा, सबके पास आऊंगा मैं आता हूं अजय आलोक जी, मैं आता हूं। देना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता पंजाब में कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खालिस्तान टेरर फोर्स से पैसे लेती है, आतंकवादियों की मदद करती है। पूछ लीजिएगा जरा कौन आतंकवादी, एक कांग्रेस पार्टी है जो आतंकी मनने पे आंख से आंसू बहते हैं इसी दिल्ली बाटला हाउस में, दिल्ली वालों को याद होगा। और उधर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी खालिस्तान टेरर फोर्स से पैसा ले रही है, ये आतंकवादियों से क्या कनेक्शन है दोनों का? क्या कनेक्शन है भैया आतंकवादियों से? आ रहा हूँ आपके पास, सीआईडी इनके पास, आईबी इनके पास, राय इनके पास, सवाल तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना, सवाल हमसे पूछ रहे हैं, फिर आप सरकार में काय हो, आप विपक्ष में बैठिए। अरे अरे आपकी सरकार हो ना, कांग्रेस पंजाब में कह रही है, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? जवाब देने का दायित्व तो आपका है, जो आरोप लगाए हैं तो दायित्व तो आपका है, आप जवाब दीजिए। देखिए इस बार स्पष्ट है, सभी बैठे कैसी गर्मी हो रही है, इस बार चुनाव में बहुत ज्यादा गर्मी है और कीचड़ सूख चुका है, तो आप देख लीजिए कीचड़ का ये हाल है तो कमल के फूल का क्या हाल होगा। एक बात बताइए, आप कांग्रेस के नेता बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, आपने कहा कि चूंकि संविधान खतरे में है इसलिए आप साथ साथ आ गए। मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ उनके पास, सुन तो लीजिए सवाल, सवाल तो सुनिए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए तो पंजाब क्या कोई टापू है, भारत का हिस्सा नहीं है क्या, वहाँ संविधान नहीं बचाना चाहते आप? सुनिए ना, पूरे देश में संविधान बचेगा, ये जो बौराए हुए है ना मोदी जी के कुछ भक्त लोग, अब आप तो कहते हैं कि भाई जगन्नाथ स्किप कर गए, मेरा सवाल स्किप कर गए आप, अब जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ को भी कहते हैं कि वो भी मोदी जी के भक्त हैं। अरे शर्म करो, शर्म करो, सत्ता के लिए इतने नीचे गिर जाओगे कि भगवान को भी ऐसे भक्त बोलोगे, ऐसी बात है? और जितने बलात्कारी हैं उस सारे बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम मोदी जी कर रहे हैं, चाहे प्रज्वला हो, चाहे ब्रजभूषण जनता पार्टी के लोग हो, पूछिए जड़ा कि क्यों उसके बेटे। पब्लिक के पास आता हूं, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।